तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है और एक नए वीडियो पर। तो आप लोग हम दोनों को देख पा रहे होंगे, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी की तरफ। तो आज अच्छा से दिखाने कोशिश करूंगा। तो फिलहाल अभी हम लोग पहुंच गए हैं, ये भी नदी का पारे है। तो यह नदी का कमलांग नदी, ये देखिए नदी, ये नदी बहुत ठंडा ही होगा। तो मैं पुल पहन से आया हूँ, तो गहरा तोरा तोरा होता है, इसलिए तो बिकना पड़ेगा शायद। सूरज तो निकल रहा है धीरे धीरे, वो तो सुसु करेगा अभी। तो मैं अभी ये नदी पार होऊंगा, ये देखिए। ओ, ये क्या है, व्हाइट क्या है ये। तो दोस्तों देखिए, ये ओपन लाया, पूरा इजीली से पार हो रहा है। तो मैं पूरा दिक्कत मिल रहा है, या कोतिन मिल रहा, कोतिन है मेरा लिए। और जो भी हो बिकने दो, कुछ नहीं है। तो ब्रह्मपुत्र नदी पहुंचने पे लगभग 20 मिनट जैसा लगेगा दोस्तों। तो इस तरफ से जाएंगे, तो इसी रास्ते से भी जा सकता है, लेकिन इधर से जाने से थोड़ा जारिया जारिया क्या क्या जाना पड़ता है, तो जंगल भी जाना पड़ता है। फिलहाल हम लोग जाएंगे पूरा साफ सफाई रास्ते से, यानी इसी रास्ते से जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, अभी ये भी पार होने पड़ेगा। ये नदी का नाम है मुगनी नदी। सोते भाइयों के साथ ओ दारी नहाने आए थे, तो इधर से पार होना पड़ेगा। वाह, बहुत ही ठंडा, मैं तो थोड़ा मोरा काँप रहा हूँ। आया आया, मैं तो पिछल गया। तो मैं पावर बैंक के साथ लाया हूँ, क्योंकि मोबाइल चार्ज नहीं है ज्यादा। मिड नाइट को लाइट चला गया था, इसलिए तो मोबाइल चार्ज ज्यादा नहीं हुआ है, तो पावर बैंक लाना पड़ा। अरे जल्दी आओ। तो दोस्तों पूरा सुबह उठकर आ रहे हैं, इसलिए फेस भी वॉश किया नहीं। तो मैं अभी यहाँ से फेस वॉश करूंगा, यानी मैं धुला लूंगा। बस इतना काफी। तो अभी पहुंच जाएंगे एटलीस्ट 7-8 मिनट लगेगा पहुंचने पे। तो आप लोग वीडियो बने रहिए और देखते रहिए। तो दोस्तों अभी पहुंच जाएंगे, तो लगेगा सिर्फ 2 मिनट। तो आप लोग 2 मिनट वेट करते रहिए, 2 मिनट भी नहीं लगेगा। तो देखिए दोस्तों, सुबह सुबह गाय बैल यहाँ सो रहे हैं चुबह चुबह पूरा, क्योंकि घास फ्रेस फ्रेस होता है फोगी फोगी के वजह से, तो इसलिए पूरा चर रहे हैं, हम लोगों को देख रहा है। यह नदी पूरा ट्रैक्टर से पार हुए थे जिस टाइम इमरजेंसी हेल्प करने के लिए गए थे राहुल भैया अदरक खेती पे, उस टाइम पूरा यह नदी ट्रैक्टर से पार हुई। तो फिलहाल उस पार पे एक ट्रैक्टर है, शायद वो भी उस तरह से पार हुए होंगे। तो समर सीजन में ये नदी पार हो नहीं सकता है, तो वो वहाँ बहुत वगैरह यूज़ करना पड़ता है। तो विंटर सीजन है क्या, इसलिए पूरा पानी सूख गया है, आराम से पार हो सकता है। तो दोस्तों हम लोग भी ऐसे ही पैदल ही पार होंगे ब्रह्मपुत्र नदी, यानी करस होंगे। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए और देखते रहिए किस तरह से हम लोग पार होते हैं, कितना गहरा होता है और कितना कारण होता है, आप लोग सब देख पाएंगे। तो वीडियो पर बने रहिए और देखते रहिए, यहाँ से पार होंगे। तो उधर ही पार होना है उस पार पे। तो ये भी रेडी हो रहा है, पैन खोल रहा है, तो नहीं हाफ पैन से पार होगा। तो मैं तो पुल पैन से पार होना पड़ेगा, क्योंकि मेरा फास्ट तो हाफ पैन ठाक पैन नहीं है, इसलिए। तो
ये रवाना हुआ है या क्रॉस हो रहा है। दोस्तों देखिए बहुत ही गहरा हो रहा है तो कारण भी है, इसलिए पूरा संभाल के जाना है। तो गाड़ी पहुंच गया। तो दोस्तों फाइनली पार हो चुके हैं तो और आगे जाना है इधर। तो दोस्तों हम लोग अभी बस्ती की तरफ भी रवाना हो रहे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी और पार हो रहे हैं ट्रैक्टर से। ये देखिए तो हम लोग लेके जा रहे हैं अदरक। थोड़ा के लिए पूरा ओवर लोड ट्रैक्टर दोस्तों, जैसे तैसे पार हो रहे हैं। वाओ वो 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 बहुत हिलता दुलता है। तो दोस्तों घर पहुंचने के बाद हम लोग और आए हैं ब्रैंग नदी पार। तो यहाँ का नजारा देखिए तो चमका वॉक भी हो रहा है, यानी सूरज ढलने वाला हो रहा है। तो और हम लोग थोड़ा देर बैठेंगे, उसके बाद ही घर की तरफ ही रवाना होंगे।